हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे आप लोग? आई होप यू डूइंग गुड और मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, आज हम लोग का सेकंड डे है राजस्थान में, माने कि जयपुर में। और अभी हम लोग जा रहे हैं, आज हम लोग दो तीन प्लेस विजिट करने वाले हैं। एक तो एम्बर फोर्ट है, एक म्यूजियम है, एम्बर हॉल म्यूजियम, और एक लोकेशन है, मैं आपको वहाँ पर जाकर बताता हूँ, क्योंकि अब तक उसका कुछ फिक्स नहीं है। तो आज का दिन कैसा रहेगा और जितना हो सके उतना मैं ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। तो गाइस, थोड़ा चलते हैं। सो गाइस, फाइनली हम लोग एम्बर फोर्ट आ चुके हैं। सो गाइस, ये जीप हम लोग की है और अभी इसमें जाएंगे हम लोग। देखते हैं, चार जीप किया है टोटल हम लोग का, पूरा ग्रुप 20 लोग थे हम लोग, तो उसमें चार ग्रुप किया है और ये हम लोग की है। तो चलो चलते हैं। सो गाइस, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा स्टेप्यूल करके जगह है जो राजस्थान में बहुत फेमस है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। चलो गाड़ी स्टार्ट हो गया, अपना दो और मारेगा। सो गाइस, फाइनली हम लोग एम्बर फोर्ट आ चुके हैं। जेसोर अभी बांग्लादेश का पार्ट है, थोड़ा इधर से मऊ उनको जाने दो। बांग्लादेश का पार्ट है जेसोर, तो राजपूत राजा इधर हुए, कछवाहा वंश के, भगवान राम उनके पुत्र कुश के वंशज माने जाते हैं। और अभी राजाओं का जनरेशन चल रहा है सिटी में, 41st जनरेशन में राजा है सवाई पदम नाथ सिंह, 24 ईयर्स ओल्ड है, इंडिया पोलो टीम है उसमें सबसे यंगेस्ट पोलो प्लेयर। 16th सेंचुरी में पहले इंसान का बलि होता उधर पेड़ के नीचे, लेकिन बाद में लोगों ने इस चीज का विरोध किया। 1980 तक यहाँ पर भैंसे का गवर्नमेंट ने बैन लगाया बलि पे, लेकिन 1981 से दोबारा बकरा बलि स्टार्ट हुआ। अभी भी सुबह डेली 5 बजे बकरा बलि, वाइन का बोतल माँ काली को चढ़ाया जाता है रॉयल फैमिली की तरफ से। मंदिर रॉयल फैमिली का प्राइवेट है, गवर्नमेंट का नहीं है, तो 12 से 4 बंद रहता है, बाकी पब्लिक के लिए ओपन रहता है। तो अभी 12 बजे बंद हुआ, अब 4 बजे खुलेगा। लेट हो गया। उसको बोल दे रात में लास्ट में 1 घंटा दे देना मेरे को। विजिट करो जयपुर सिटी का सबसे मेन पैलेस है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसको बोलते हैं आंबेर पैलेस। इस पैलेस का जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया राजा मान सिंह ने 1589 में, और राजा मान सिंह के बाद हुए मिर्जा राज अजीत सिंह, फिर सवाई अजीत सिंह सेकंड, 3 जनरेस में कंप्लीट किया गया। पूरा कंप्लीट करने में इसको 137 ईयर्स लग गया था। तो पैलेस के अंदर अलग अलग 4 कोर्टयार्ड बनाया गया। फर्स्ट जो कोर्टयार्ड ये नीचे वाला, इसको बोलते जलेब चौक, इधर आर्मी का परेड लिया जाता था और नीचे हॉर्स स्टेबल और ऊपर छोटे छोटे रूम बने सर्वेंट्स के लिए होते थे। एंट्री के लिए 2 गेट बनाए, इधर सन गेट और उधर मून गेट। तो उसमें रॉयल फैमिली वीआईपी का मेन एंट्री गेट ये था, वो जनरल पब्लिक के लिए जिधर से आप आए हो। जो बाउंड्री वॉल बनाया पैलेस के चारों तरफ 12.5 किलोमीटर पैलेस की सेफ्टी के लिए, वर्ल्ड का 3rd नंबर का सबसे लंबा दीवार, फर्स्ट चाइना, सेकंड है कुंभलगढ़ में राजस्थान में, वो 36 किलोमीटर का, उसके बाद ये वाला। तो ये जो पैलेस था रॉयल फैमिली का ओल्ड रेजिडेंस था, बाद में सवाई अजीत सिंह सेकंड हुए, नया रेजिडेंस उन्होंने शिफ्ट किया 1727 में सिटी पैलेस में, जहाँ आज उनका करंट जैसे उधर ही रहता है। और अभी राजा है सवाई पदम नाथ सिंह, 24 ईयर्स ओल्ड है,
इंडिया पोलो टीम है उसमें सबसे यंगेस्ट पोलो प्लेयर। बहुत सारी मूवीज का शूटिंग हुआ, बाजीराव मस्तानी में, मणिकर्णिका में, एंट्री सीन इधर का, बोल बच्चन में, नीचे गाना इसका बैकग्राउंड बताते हैं, इधर जोधपुर मूवी में खाना परोसने वाला सीन, लाल बादशाह, खुदा गवाह, वीर, हम साथ है, तलाश, भूलभुलैया, वो भी इधर ही हुआ। जिधर अपन खड़े हैं पैलेस का सेकंड कोर्टयार्ड, लोकल ऑडियंस मीटिंग हॉल, जो भी जनता का प्रॉब्लम होता राजा यहाँ बैठ के सोल्व करते थे। 48 पिलर बनाए हिंदू मुस्लिम आर्टिस्ट चार्ल्स ने, सभी के ऊपर एलिफेंट और उसके ट्रंक में लोटस फ्लावर, हिंदू आर्ट, नीचे जो डिजाइन बनाए सारा मुस्लिम आर्ट। दोनों का कॉम्बिनेशन इसलिए क्योंकि जोधाबाई का मायका है, जोधाबाई इधर की राजकुमारी थी, वो राजा भारमल की बेटी थी, मानसिंह की बुआ लगती थी, और मानसिंह अकबर का आर्मी चीफ कमांडर था, नवरत्न में से एक आता था। 120 लड़ाई मानसिंह ने लड़ी, काबुल, कंधार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सब जगह जीत के आए और बहुत सारा खजाना लेके आए उधर से, वो खजाना ऊपर वाले फोर्ट में रखा गया था। 1976 में इमरजेंसी लगाया इंदिरा गांधी ने, 7 ट्रक्स वहां से खजाने के निकलवाए, दिल्ली हाईवे बंद किया, एक मूवी बनाया बादशाह अजय देवगन का, वो खजाना किधर गया अब तक किसी को पता नहीं। तो वो जो फोर्ट है आज भी रॉयल फैमिली का प्राइवेट प्रॉपर्टी है, राजा की सेना रहती थी वहाँ पे, हथियार बनाने का कारखाना था और एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैनन रखा हुआ है। कैनन ट्राई के लिए एक बार चलाया गया तो उसका रेंज था 38 किलोमीटर। तो उसका जो एंट्री टिकट है 150 पर हेड, वो रॉयल फैमिली को जाता है, गवर्नमेंट को नहीं जाता। कॉर्नर में जितने भी छोटे छोटे रूम बनाए सारे किचन होते थे, ग्राउंड फ्लोर वाले जो बंद है, और सामने जो दरवाजा बनाया वर्ल्ड फेमस दरवाजा, इसको बोलते हैं गणेश पोल। राजस्थान में जो बड़े दरवाजे उनको पोल बोलते हैं, दरवाजे पे कलर पेंटिंग है, ऑर्गेनिक कलर है, 350 ईयर्स ओल्ड, कोई केमिकल कलर यूज नहीं होता था उस समय। इसके ऊपर झरोके बनाए रॉयल लेडीज के लिए, रॉयल लेडी जनरल पब्लिक के सामने अलाउड नहीं थी, कोई फंक्शन फेस्टिवल इधर होता ऊपर झरोकों से देखती, और बीच में विंडो भी बनाए वेलकम के लिए। राजा युद्ध जीत के आया था, रानी वहां से फूल बरसा के राजा का वेलकम करती थी। अंदर देखेंगे सीस महल, उससे पहले इधर का एक व्यू देखेंगे, बहुत सुंदर व्यू है। ये व्यू है हल्का सा पानी सप्लाई किया जाता था, देखेंगे लाइट नहीं था ना भाई, पूरा प्लेन है तो सीढ़ी नहीं है ये बंद वाला, उनका टॉयलेट इधर बना देते। दीवारें वाटर को ऑब्जर्व नहीं करती, लाइम स्टोन के अंदर मार्बल पाउडर मिला के प्लास्टर किया गया। इधर दो वाटर टैंक बनाया, हॉट वाटर के लिए और नॉर्मल वाटर के लिए। हॉट वाटर करने के लिए इसके पीछे चिमनी बनाया, उधर विंटर सीजन में लकड़ियां भर के आग जलाते हैं, फिर कॉपर प्लेट यूज करके गर्म पानी करते थे, स्टीम बनता। डायमंड डिजाइन बनाया उसी से में का, तो स्टीम कन्वर्ट होता वाटर में और सीधा नीचे ड्रॉप करता सोना बाग। और नहाने के लिए दोनों टैंक्स में होल्स बने इधर आपके पीछे, इधर उधर ये चैनल है, चैनल्स के अंदर पानी गिरता, चैनल्स का जो स्लोप उधर, चैनल थ्रू पानी मिक्स हो गया सीधा इस होल से बाद तक में पहुंचता है, यहाँ से रानिया इधर नाती रानी नाती इधर है। ये रानी का नाने का बाद तक आ जाओ, आ गया था जकूजी बनाया, ये 4 फीट घेरा बनाया, चारों कॉर्नर पर उतरने के लिए बैठने के लिए जगह, नीचे ड्रेनेज सिस्टम, ओवर फ्लो सिस्टम और खुशबू के लिए गुलाब का मिला रखे। तो ये एक रानी का जकूजी था उस समय नहाने का, रानी इसी के अंदर नहाती थी। बंद कर रखा है पुराने किया हुआ बेटा, बंद कर जा सकते हैं।
सो गाइज हम लोग का एमरफोर्ड करके हो गया, अभी हम लोग जा रहे हैं वापस जहाँ से जीप पकड़ा था हम लोग ने, फिर जाएंगे बस में, फिर नेक्स्ट लोकेशन पे जाएंगे, तो चलो देखते हैं। सो गाइज हम लोग फाइनली वहाँ पे आ चुके जहाँ से हम लोग ने स्टार्ट किया था, और इधर आके वेट करते सब लोग का, क्योंकि जब लोग एक बार सब लोग आएंगे तो वापस जाएंगे, एक बार आ जाए सब लोग। गाइज अभी जब बस रोका है, सिर्फ जिसको जिसको लंच करना है, जिसको जिसको कुछ भी खाना खा सकते हैं, अभी हम लोग को लंच करना नहीं, तो हम लोग इधर आए अभी दुश्मन कचोरी वाले के पास, नाम भी इसका बहुत हार्ड है दुश्मन, देखते इधर कैसा मिलता है। अभी चम्मच दे दो, कुछ चटनी वगैरह नहीं पड़ता क्या? बस बस। सो गाइज अभी हम लोग आए अल्फ्रेड हॉल म्यूजियम करके एक प्लेस है यहाँ पे, तो चलो चलते हैं। सो गाइस अभी हम लोग गए अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के अंदर, और मैं आपको यहाँ का तरह लुक दिखा रहा हूँ, बहुत सुंदर है ये देखिए, और यहाँ पे बीच में पेंटिंग है। फाइनली होटल में वापस आ चुका हूँ, और आज का यहाँ पे हम लोग का सेकंड डे खत्म होता है जयपुर में, और ये वीडियो मैं यही पे एंड कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहा है तो लाइक करना, कमेंट करना, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।